जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम शादी ब्याह में बावर्ची लोग बनाते हैं वैसी बहुत ही टेस्टी फूल गोभी और आलू की सब्जी बनाना सीखेंगे। इस सब्जी को बनाने की विधि काफ़ी सरल है और हम इसे सिर्फ 15 से 20 मिनट में बना सकते हैं। अगर आप ये सब्जी घर पर एक बार बनाओगे तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा, वैसी ये बनती है। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक अवश्य देखिए और रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूले। सब्जी बनाने से पहले हम उसमें ऐड करने के लिए एक प्यूरी तैयार करेंगे। उसके लिए 2 नंग बड़ी साइज के टमाटर, 2 फ्रेश वाली लाल मिर्च और 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे छीलकर मैंने पतली स्लाइस में काट लिया है। अगर आपके पास लाल मिर्च ना हो तो आप 3 से 4 हरी मिर्च भी ले सकते हैं। लाल मिर्च के अंदर जो बीज है उसे निकाल दे और तीनों को मिक्सी जार में अच्छे से ब्लेंड करके उसकी स्मूथ प्यूरी तैयार करें। गैस पर एक हैवी बॉटम कढ़ाई रखें और उसमें 3 टेबलस्पून तेल लेकर उसे लो फ्लेम पर गर्म करें। तेल हल्का सा गर्म हो जाए फिर उसमें 1/2 चम्मच जीरा ऐड करें और जीरा तेल में अच्छे से चिटकने लगे फिर हम उसमें 300 ग्राम छील कर इस तरह से क्यूब में कटे हुए आलू ऐड करेंगे और 300 ग्राम हम फूल गोभी ऐड करेंगे। आलू और फूल गोभी दोनों का मेजरमेंट मैंने इक्वल रखा है। अगर आपको फूल गोभी ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। सब्जी को हम तड़का के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इस सब्जी में हरी मटर या हरी तुअर के बीज भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करें और स्वादानुसार नमक ऐड करें। हल्दी और नमक को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स करें। कई बार टिफिन में हम एक जैसे स्वाद वाली सब्जी खा के परेशान हो जाते हैं तो ये सब्जी आप घर पर बना सकते हैं। सब्जी अच्छे से कुक हो जाए उसके लिए 2 से 3 चम्मच जितना पानी ऐड करें और कढ़ाई के ऊपर ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए सब्जी को लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करें और बीच बीच में उसे चलाते रहे। फूल गोभी और आलू कुक हो तब तक दूसरे गैस पर एक पैन रखें और उसमें 2 टेबलस्पून तेल लेकर उसे भी लो फ्लेम पर गर्म करें। तेल हल्का सा गर्म हो जाए तो उसमें 1/2 चम्मच जीरा, फ्लेवर के लिए 2 तेज पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े और 3 लवंग ऐड करें। उसके साथ हम 1/2 चम्मच जितनी हींग ऐड करेंगे। तड़का में इस तरह से खड़ा मसाला का उपयोग करने से सब्जी में उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। जीरा अच्छे से चिटकने लगे फिर हमने जो टमाटर, अदरक और लाल मिर्च की जो प्यूरी तैयार की थी उसे तड़का में ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप प्याज लहसुन खाना पसंद करते हो तो ग्रेवी बनाते वक्त उसमें 1 बड़ी साइज़ का प्याज और 5 से 7 लहसुन की कली भी ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी अच्छे से कुक हो जाए और उसमें से तेल सेपरेट हो तब तक हम उसे चलाते रहेंगे। 3 मिनट तक पकाने के बाद ग्रेवी में से इस तरह से तेल सेपरेट होने लगे फिर मसाले में 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच या स्वादानुसार कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जिससे सब्जी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, और चुटकी भर हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि फूल गोभी और आलू में भी हमने हल्दी पाउडर का उपयोग किया है। अब मसालों को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखें ताकि मसाले जल ना जाए। ग्रेवी के हिस्से का या स्वादानुसार नमक ऐड करें और 1/2 चम्मच जितना गरम मसाला ऐड करें। बावर्ची लोग जो सब्जी बनाते हैं उसमें खड़ा मसाला और गरम मसाला का उपयोग अवश्य करते हैं। अगर आपको ना पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं। ये सब्जी थोड़ी ग्रेवी वाली ज़्यादा होगी तो अच्छा रहेगा, इसलिए 1 कप जितना पानी ऐड करें और 3 से 4 मिनट तक जब ग्रेवी थोड़ी कुक होकर थिक हो जाए तब तक हम उसे चलाते रहेंगे। जैसे जैसे ग्रेवी उबलेंगी उसके अंदर जो खड़ा मसाला ऐड किए हैं उसके फ्लेवर एनहांस होगी। गैस बंद करें और तैयार की हुई ग्रेवी को फूल गोभी और आलू के साथ अच्छे से ऐड करके मिक्स करें। जब भी आप ग्रेवी को सब्जी में ऐड करो तब सब्जी अच्छे से कुक हो गई होनी चाहिए। कई बार घर पर मेहमान आ जाते हैं और पंजाबी सब्जी बनाने का समय नहीं मिलता तो
तो इस तरह से घर पर ही उपलब्ध सामग्री में से हम नए टेस्ट की सब्जी बनाकर उन्हें पराठा या पूड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। हल्के हाथों से ग्रेवी को सब्जी के साथ मिक्स करेंगे और वो थोड़ी थिक हो और सब्जी के साथ अच्छे से मर्च हो तब तक ढक्कन लगाकर उसे 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पर कुक होने देंगे। इस सब्जी को बनाने में 15 से 20 मिनट का समय लगा है और इतनी सब्जी परिवार के 4 से 5 सदस्यों के लिए पर्याप्त है। आखिर में हम उसके ऊपर 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और उसे सब्जी के साथ मिक्स करेंगे, तो देखते ही खाने का मन करे वैसी बहुत ही स्वादिष्ट ग्रेवी वाली फूल गोभी और आलू की सब्जी बनकर तैयार है। गर्मा गर्म सब्जी को हम सर्विंग बोल में सर्व करेंगे और उसे बारीक कटा हुआ हरा धनिया से गार्निश करेंगे। आप इसे रोटी, पराठा, पूरी या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी ये सब्जी घर पर ज़रूर बनाएं और वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।